So right now we are going to trip to Bodh Gaya and Rajgir and some other part of the Bihar with the help of this my brother. This one is the another city in Bihar. This city name is the Jehanabad. What you call? Jehanabad. Yes. ये हमारा बिहार है भाई. फर्स्ट आई प्लान टू एक्सप्लोर माई बिहार, देन आई हैव टू बी मूव फ्रॉम अदर कंट्री. We came here so far from Patna to Bodh Gaya, and we found that the temple is closed. Most of the temples are closed because of lockdown, Corona. नाश्ता करने के बाद थोड़ा घूम ऑन, और जितना जल्दी हो सके हम लोग छोड़ रहे हैं बोध गया. ठीक है. तो ये जो आप देख रहे हो ये महाप्रज्ञा गेस्ट हाउस है, और इसका हम लोगों ने पेड किया है 600 रुपये, और हम लोग यहाँ पे रहे थे रूम नंबर 113 में. और मैं आपको यहाँ का व्यूज दिखा देता हूँ. मंदिर से बस बगल में ही है, ज़्यादा दूर में नहीं है. ये एक बाहर का है व्यूज. ये वाला जो आप सामने रोड देख रहे हो, ये रोड सीधा मेन टेम्पल की ओर जाती है जो कि महाबोधि मेन टेम्पल है. और इधर का आप कुछ नज़ारा देख लीजिए. ये अपना प्राइवेट बस लगाने का है, और ये है रूम जिसमें हम रहे थे हम लोग. तो एक छोटा सा यहाँ पे देखिए मछली पालन होती है. तो अब हम लोग यहाँ से चेकआउट करने वाले हैं 5 से 10 मिनट में, और बोध गया एक्सप्लोर करेंगे और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे. सो यू वॉन्ट टू गिव एनी एडवाइस टू दोज हु वॉच दिस वीडियोज, वाट हैव टू बी take before checking in the hotel or hostel or guest house anywhere? If you're a foreigner, always go for the hostel. Okay. Never go for guest house or hostel. Okay. Because they can cheat on you. Mm. And hostels, they know how to treat foreigners. Mm-hmm. Because it's part of their experience. Mm. The Indian people are ambassadors of their country. Mm. So it's the things that we're going to tell when we are back in our country. Mm. How they treat us is the image we get from the country we are visiting. Mm-hmm. So every good thing and every bad thing we are gonna tell to our family, to our friends. Mm-hmm. So yeah, that's okay. Thank you for telling everything in openly. Okay, thank you so much. तो आपने जो देखा ये हमारा पाको दोस्त था गॉडी, ये मैक्सिको से था, और ये हम लोग के साथ पिछले एक सप्ताह से मान के चलिए कि इधर उधर घूम रहा है. और मैंने ये जो आपको होटल के बारे में बता दिया है वो आप समझ सकते हो, और मैंने आपको दिखा दिया है. तो ये आप लोग को एज्यूम करना है कि ये कैसा था, क्या था, बजट में क्या था. फिर गेस्ट हाउस जिसमें हम लोग ने रुका था, आप सामने देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है महाप्रज्ञा गेस्ट हाउस, सक्सेना मोड़ के पास है. और ये हमारा बिल है, जो भी था ठीक था, अच्छा था. और बहुत ही शांति एरिया है. तो यहाँ से ऊपर से दिखा देते हैं कैसा है. ठीक है, जस्ट इसके बगल में एक होटल इंटरनेशनल है. चलिए अब यहाँ से निकलते हैं. हम लोग ई रिक्शा पकड़े हैं, और अच्छा खासा गाना भाई साहब सुनाते हुए लेके जा रहे हैं. अभी मेन टेम्पल के पास जा रहे हैं, देखते हैं टेम्पल खुला है या बंद है. ये तो वहाँ पहुँचने के बाद पता चलेगा. ये जो आप सामने देख रहे हो ये एक्चुअली एक होटल है. उसको दोस्त को कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो उधर. बुलाना चाहिए था उसको. तो आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये पूरा लॉक है, और ये जो है 80 फीट का ये तो बुद्धा का स्टैचू है जो कि आज बंद है, तो इस वजह से मैं अंदर नहीं जा पाया. और मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, आप सामने देख सकते हो, और ये लॉक लगा है. फिलहाल हम लोग एक्सप्लोर ई रिक्शा से कर रहे हैं. आप देख सकते हो इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर है इस रास्ते में. तो ये सब जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट. तो मंदिर जो है बंद है, उन्होंने बोला गया था कि खुला रहेगा मंदिर, पर खुला
नहीं है। जैसा कि आप मेरे दाहिने साइड में देख रहे हो, यही है मेन मंदिर बोध गया का। बहुत पहले मैं यहाँ आया था और आज दोबारा से आने का मौका मिला। टोटल जो है इसमें 4 गेट हैं अंदर जाने के लिए मंदिर के अंदर। तो मैं अभी जो गेट नंबर 4 है उस तरफ से इसमें घुसा था, लेकिन मंदिर क्लोज होने के कारण तो मैं अंदर नहीं जा पाया क्योंकि लॉकडाउन का प्रोसेस चल रहा है। हालांकि मुझे लगा था कि ये अनलॉक 4 है तो खुला होगा, पर ऐसा संभव नहीं हो पाया। तो बड़ी वाली आप देख रहे हो मंदिर, उनमें गौतम सिद्धार्थ विराजमान हैं। और एक ये वाला गेट है, और जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो गेट के उस तरफ जो आदमी बैठा है, उधर जूता चप्पल रखने का व्यवस्था है। ये जगन्नाथ मंदिर है, बहुत ही फेमस है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ आप जब आओगे तो इसे ज़्यादा अच्छे से फील कर पाओगे और पढ़ पाओगे। तो अभी फ़िलहाल अब यहाँ से निकलते हैं, कुछ है नहीं, मॉर्निंग का टाइम है तो थोड़ा ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं हम लोग। तो मैं इन भाई साहब के मदद से इनके छत पे आया और मंदिर देखने का कोशिश किया, जो कि दिख नहीं रहा है वो मैं आपको भी दिखा दे रहा हूँ। कुछ भी विजुअल नहीं है यहाँ से। तो पापस फ्रेंड आशुतोष इज हियर, ही ब्रिंग समथिंग स्वीट्स, आई डोंट नो इंग्लिश नेम, अनर्थ, एंड दिस गाय इज द फ्रेंड ऑफ दिस, एक्चुअली कलीग, नॉट अ फ्रेंड, एंड दिस होल इज फॉर यू, यू ऑल फॉर्म, नो फॉर्म आशुतोष, दिस गिफ्ट फॉर यू, ओके, सो कीप विथ यू एंड टेक इन मेक्सिको। आई कैन कैरी फॉर यू इन माय बैग, बट यू कैन जस्ट माइक्रोवेव इट फॉर 2 or 3 मिनट्स एंड इट विल टेस्ट, यू नो, मोर तो आप देख रहे हो ये मगध टेस्टी स्वीट है। यहाँ पे हम लोग कचौड़ी खाने वाले हैं और सब कुछ बंद है। सच पूछिए तो मेरा आना यहाँ वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा एक्सप्लोरिंग अच्छा हुआ, अच्छा लग रहा है। हम लोग जो है कचौड़ी और छोला खा रहे हैं और जलेबी भी है, और ये जो है छोले भटूरे खा रहे हैं, और ये सब हमारे मित्रगण हैं जो यहाँ पे खाने जा रहे हैं। तो मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये कैसा है। तो ये अभी गया का कचौड़ी है, बहुत दिन के बाद ये वाली कचौड़ी मेरे को खाने को मिला है और अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, जलेबी भी है। यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस समथिंग? छोले भटूरे, बिग बॉल, it's big, the chickpea, I don't like this. Why you not like this? I don't know, it's a bundi raita, good for your stomach, it will keep cold. I like, but at the same but you time, don't like taste, the same time is weird, or like my body rejects it. Okay. I don't know. So jaisa ki aap dekh rahe ho, abhi jo main baitha hu ye world heritage ke paas baitha hu, aur mere jab piche aap dekh rahe ho ye hai mahabodhi temple ka entrance, aur yahan se gate number 4 hai। तो एक्चुअली लॉकडाउन के कारण हम लोग अंदर तो नहीं जा पा रहे क्योंकि टेम्पल जो है पूरी तरह से बंद है। तो मैं सोचा कि फ़ोटो ही क्यों ना खिंचा लूँ अपने दोस्त के साथ। तो पीछे हमारा जो दोस्त है वो खींच रहा है। तो आप जो ये देख रहे हैं श्री राम जानकी मंदिर, हमें लगता है माता सीता के लिए है ये मंदिर। अभी हम लोग जो है सुजाता गढ़ के पास आए हैं और ये खुला मिल गया बाय मिस्टेक आपको। अच्छा, टू द गौतम बुद्ध व्हाइल ही वाज डूइंग मेडिटेशन ऑन द डिफरेंट टाइप, आई विल टेक यू टू देयर। तो ये जो आप देख रहे हो ये सुजाता गढ़ है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे हूँ, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे सब हमारे दोस्त लोग हैं, और मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये प्लेस एक लड़की के नाम से डोनेट है। वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने सिद्धार्थ गौतम बुद्धा को खीर खिलाया था जब वो अपने फास्टिंग के समय में और मेडिटेशन के समय में वो पीछे वाले जो पहाड़ है उसमें थे। तो गो एंड चेक वंस इज देयर और नॉट, no, just you try to climb it and check it and there in, yeah, anything is there or not। ये सुजाता कुटी है जो भगवान बुद्ध को के खीर खिलाए हैं। ये सुजाता रानी करके थे, वही खीर खिलाए। ये भगवान बुद्ध को ने 6 साल वहाँ तपस्या किए थे, जब में ज्ञान प्राप्त नहीं हुए,
तो वहाँ से चल बैठे हैं, तो मलसंग ऑफिस मतलब कि पहुँचे हैं, एक बार का फिर के बगल में बैठे हैं। और ये जाता का पुत्र नहीं, तो पुत्र हुई तो मतलब कि ये जाता ने एक महत्व मानी कि हमारा पुत्र होगी तो मतलब फिर के भोग जा रहे हैं। वही समय में इनका पुत्र पैदा लिए हैं और वही समय में मतलब खीर का भोग चढ़ाने के लिए गए हैं। तो देखते कोई साधु पूरे शरीर का हड्डी है तो ये तो नौकरानी लोग गए थे। तो सुजाता के आन के बोलिन कि महारानी ऐसा ऐसा बात हम देखे हैं चल के। फिर जाके सुजाता ने खीर का कही कि हमारे लिए भगवान पहुँचे हुए हैं, ये कोई साधु संघ नहीं, ये भगवान हमारे लिए आए खीर का भोग लेने के लिए। फिर सुजाता आजा बाजा बस्ती दुनियादारी करके यहाँ से सजावट करके गए हैं। वहाँ भगवान बुद्ध जो अपना तपस्या में लगे हुए हैं और तपस्या में लगे हुए हैं, उस समय में सुजाता ने बोला कि महाराज हमारे हाथ से खीर का भोग दीजिए, आपका दिल में जो भी है वो आपका ज्ञान प्राप्त। इन तो सुजाता भगवान बुद्ध ने सोचा कि ये तो क्या बात है, अदरक आग का पलों को खोले हैं देखे हैं। तो सुजाता रानी तो कोई रानी थी, तो उसी समय में सुजाता का हाथ से एक दाना कई चम्मच से उठाए हैं, करीब 1139 चम्मच में खाना खाए एक दाना। तब थोड़ा पानी पिए हैं तो शरीर में आत्मा आए हैं। तब भगवान बुद्ध जो कहे क्या हमारा कुमार शरीर शांति मिला, तो वहाँ भगवान बुद्ध दोनों वहाँ से चल पड़े हैं। तो मेन टेंपल जो बोध गया है, जो पर का पीपर गाछ है, वहीं पर बैठे हैं, वहीं उसका ज्ञान प्राप्त हुए हैं। बोध गया मंदिर मेन टेंपल के पास, ये तो कहानी है। आपने बहुत ही अच्छा बताया है, बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो खीर वहाँ खिलाए थे, पूरा स्टोरी है। फल्गु रिवर वॉज ऑन द लेफ्ट साइड, ओके, दिस इज निरंजना रिवर एंड बोथ द रिवर फॉर्म रिवर फल्गु जस्ट 3 or 4 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर। एंड व्हाट इज दैट माउंटेन? दैट इज द प्राग बोधि केव्स वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, एंड वेयर दैट सिद्धार्थ गौतम बुद्ध टेक? या देयर इज अ पर्टिकुलर केव, ओके, इनसाइड ही वाज मेडिटेटिंग एंड सुजाता ऑफर्ड खीर। या दे ट्रैवल फ्रॉम देयर टू देयर, राइट? Yeah, that's why that uncle also told like that. And you'll find the water clean. It's very clean. You want to bath? I do. Yes, please. कपड़ा ऊपर है ये, कूद जाओ भाई। तो आप देख रहे हो कितना ही बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तो यही कहूँगा, सजेस्ट कि आप एक बार आइए और यहाँ पे आनंद लीजिए शाम के समय में। कैसा फील कर रहे हो यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, तो एक बार नहा लो। जो आप देख रहे हो यही है फल्गु नदी और अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं इसको।